नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुरासुरेन्द्र नरेन्द्र वंदित कर्ममल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। धर्म के मूल देव शास्त्र गुरु वितरागी सर्वज्ञ परम हितोपदेशक जिस पथ पर चलकर सिद्ध बने हैं वह पथ धर्म है। जिन शास्त्रों में वीतरागता के पोषक मार्ग बतलाया गया है वह मार्ग धर्म है। और जिस मार्ग पर चलकर स्वयं धर्म रूप होने वाले हैं ऐसे मुनिराज गुरु जिस मार्ग पर चलते हैं वह मार्ग भी धर्म है। इस तरह है धर्म देवों द्वारा प्रदत्त है, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है और मुनिराजों के पथ है, मार्ग है उनका। इसी तरह है जिस मार्ग को जिस धर्म को देव ने बताया उस धर्म को समझना होगा। जिस धर्म का प्रतिपादन जिनवानी माँ कर रही है उस धर्म को समझना होगा और जिस धर्म पथ पर मुनिराज चल रहे हैं गुरु चल रहे हैं उस धर्म को समझना होगा। तो उस धर्म को समझने के लिए पहले ये तो निश्चित करें कि देव कौन है। देवों द्वारा प्रदत्त धर्म को समझना है तो ये तो उद्देश्य है। तो पहले समझें कि देव कौन है। यहाँ तो देव के नाम पर ही कई कई हैं तो सच्चे देव का निर्णय तो करें उसके बाद देवों द्वारा प्रदत्त धर्म से अपना कल्याण करें। तो शास्त्रों में प्रतिपादित मार्ग से धर्म की प्राप्ति मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है तो पहले सच्चे शास्त्र कौन है ये तो पहचाने। धर्म तक पहुंचना है मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है तो पहले यहाँ तो शास्त्र के नाम से भी अनेक शास्त्र तो सच्चे शास्त्र कौन से उनकी पहचानो। ऐसे गुरु का सन्मार्ग मिले सानिध्य मिले जो स्वयं धर्ममय हो तो ऐसे गुरु को तो पहचाने क्योंकि गुरु के नाम पर भी अनेक हैं। इसलिए असली धर्म को हमें पाना है तो इन तीनों को पहचानने होगा क्योंकि ये तीनों ही धर्ममय हैं। धर्म तक पहुँचने के लिए ये तीनों ही हमें मदद कर सकते हैं। तो तीनों कैसे हैं तीनों में इतने बिखरे इतने लोग हैं तो असली देव कौन है असली शास्त्र कौन है असली गुरु कौन है ये पहचानना इसको पहचान करके श्रद्धान करना जरूरी है तब जाके धर्म की प्राप्ति होगी।
इसलिए देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से स्वामी कार्तिकेय कार्तिकेयनी प्रेक्षा में बहुत पुराना ग्रंथ है कार्तिकेयनी प्रेक्षा, 1800 साल हो गए इसके, समय सार के 200 वर्ष बाद लिखा गया, ऐसे महान ग्रंथ हैं। अनेक विषयों का रहस्य उद्घाटन किया गया इस ग्रंथ में, स्वामी कार्तिकेय ने बतलाया। धर्मानुप्रेक्षा, इसकी धर्मानुप्रेक्षा भावना की बात करते हुए पहले धर्म के मूल सर्वज्ञ हैं उनको प्रकट करते हैं ऐसा। तो मैंने ढूंढा, देवशास्त्र गुरु की बात चल रही है तो जो सामान्य सामान्य पूजन है वो तो कर लिया अपन ने, दोनों पूजन की और रत्नगण चरागाचार उसकी भी चर्चा हो गई। अब वो कहीं कहीं ऐसा है कि किसी में धर्म, किसी में देव की चर्चा है, कहीं शास्त्र की चर्चा है, कहीं गुरु की चर्चा है। तो अपन क्रम से अलग अलग ग्रंथ के माध्यम से करें, एक ही जगह कहीं कहीं मुश्किल है मिलना। तो थोड़े बहुत जो ढूंढा मेरे ज्ञान के अनुसार जितना, उतना मुझे मिला नहीं, इसलिए यहाँ केवल देव की चर्चा है। तो आज इसी ग्रंथ के माध्यम से देव की चर्चा पढ़ेंगे, तो कल किसी ग्रंथ के माध्यम से शास्त्र की चर्चा पढ़ेंगे, तो परसों और किसी ग्रंथ के माध्यम से गुरु की चर्चा, इस तरह जहाँ जहाँ से भी हो सकता है वहाँ वहाँ से निकाल कर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आज धर्मानुप्रेक्षा का निरूपण करते हुए स्वामी कार्तिकेय ने ये कहा कि पहले धर्म के मूल सर्वज्ञ देव हैं उनको प्रकट करते, सर्वज्ञ जो देव हैं, देव का स्वरूप क्या है वो बतलाते हैं। जो जान दीपचखम तियाल गुण पज्ये हिम संजोत्तम लोयालोय सयलम सो सवहणु हवे देवो। जो माने जो सयलम समस्त लोयालोयम लोक और अलोक को तियाल गुण पज्येयम संजुत्तम तीन काल गोचर समस्त गुण पर्यायों से संयुक्त पच्चखम प्रत्यक्ष जानदि जानता है सो सवण हु देवो हवे, वह सर्वज्ञ देव है। जो समस्त लोक और अलोक को तीन काल गोचर समस्त गुण पर्यायों से संयुक्त प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है। भावार्थ, इस लोक में जीव द्रव्य अनंत अनंत हैं, उससे अनंत अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं, एक एक आकाश धर्म अधर्म द्रव्य हैं, असंख्यात काल द्रव्य है, कालानुद्रव्य है। ये सब जो छह द्रव्य हैं वो सब उनकी संख्या बतला रहे हैं। जीव द्रव्य अनंत अनंत और उनसे अनंत अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य अनंत अनंत है और उनसे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है। एक आकाश है, एक धर्म है, एक अधर्म है, ये तो पांचों की संख्या हो गई। अब असंख्यात कालानु है, अनंत अनंत जीव और उससे अनंत अनंत गुणे पुद्गल, एक द्रव्य, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश, ठीक है, और कालानु है वो असंख्यात, ठीक है, ये सब इनकी गिनती बतला दी। लोक के बाहर अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य अलोक है, ये तो तीन लोक की जो आप नक्शा देखते हैं, हम तीन लोक ऐसा है, तो लोक के बाहर अलोक, अलोक है, तो अलोक में क्या है, अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य अलोक है, केवल आकाश द्रव्य है वहां। इन सब द्रव्यों के अतीत काल के अनंत समय रूप तथा आगामी काल के उनसे अनंत गुणा समय रूप उस काल के समय समयवर्ती एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय, उन सब द्रव्य पर्यायों को युगपत एक समय में प्रत्यक्ष स्पष्ट भिन्न भिन्न जानते हैं, वैसे जानने वाला ज्ञान जिसके हैं वे सर्वज्ञ हैं। बोलो, वो कल्पना करने पे भी बात समझ में नहीं आती,
ऊपर से उड़ जाती है बात। जीव अनंतानंत, इतनी संख्या उनकी, इतने इतने सारे जीव द्रव्य, अनंतानंत जीव द्रव्य, और उससे अनंतानंत गुण पुद्गल द्रव्य, और एक आकाश, एक धर्म, एक अधर्म और असंख्यात कालानु, ये इतने हैं लोक में बड़े हुए। इसके अलावा अलोक में आकाश द्रव्य, इन सबके भूतकाल की समस्त पर्याय और भविष्य की समस्त पर्याय, अनंत समय, इन सबको युगपत जाना। बोलो, ऐसा नहीं कि आज जानना शुरू किया, आज केवल हुए हैं तो आज जानना शुरू किया तो धीरे धीरे एक एक द्रव्य करके निपटाएंगे, पहले सारे जीव द्रव्य को निपटाएंगे फिर पुद्गल द्रव्य को, ऐसा नहीं है। समस्त द्रव्यों को एक साथ युगपत प्रत्यक्ष जानते, कल्पना करने में ही ये बात हमको समझ में नहीं आए, वो केवल ज्ञान की कैसी महिमा होगी देखो साहब। सर्वज्ञ मूल हैं, धर्म के मूल हैं, ऐसे केवल ज्ञान जिसमें युगपत समय प्रत्यक्ष में सभी स्पष्ट भिन्न भिन्न जैसे जानते हैं, भिन्न भिन्न स्पष्ट जानते हैं, हाथ में रखे आंवले की भांति स्पष्ट दिखता है सब कुछ। अभी यहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करते हम तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, ये सब दूसरों से पूछते रहते हैं क्या हुआ, इतना समझ में नहीं आता हमको। तो केवल मनुष्य पर्याय में, तीनों लोकों में मनुष्य पर्याय में है, यहाँ पे इतने से क्षेत्र में रहके हुए थोड़े बहुत जो काम करते हैं उसमें भी ये भूल जाते हैं कि कौन सा काम कब किया, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी, इतना सब भूल जाते हैं, क्रम से जानते हुए भी भूल जाते हैं। वे तो सबको एक साथ स्पष्ट जानते हैं, बोलो कैसी महिमा होगी केवल ज्ञान की। ऐसे केवल ज्ञान के धारक हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वज्ञ धर्म के मूल हैं, वो सच्चे देव हैं, वह देव है, औरों को देव कहते हैं सो कहना मात्र है। बोलो, ऐसे केवल ज्ञान के सामने कौन देव टिकेगा, बोलो किसको हम देव कह सकते हैं। ऐसी अपार महिमा जिस ज्ञान की है, ऐसे ज्ञान के धारक सर्वज्ञ देव है, वही देव है सच्चे देव, अन्य देव तो कहने मात्र हैं, वे देव नहीं हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अब धर्म का स्वरूप कहेंगे, सो धर्म का स्वरूप यथार्थ इंद्रिय गोचर नहीं, अतिंद्रिय है, उसका फल स्वर्ग मोक्ष है, वे भी अतिंद्रिय हैं। चतुर्मस्त के इंद्रिय ज्ञान होता है, परोक्ष इसके गोचर नहीं होता। जो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है वह धर्म के स्वरूप को भी प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए धर्म का स्वरूप सर्वज्ञ के ही वचन से प्रमाण है। कह रहे हैं कि जो धर्म का स्वरूप कहेंगे वो इंद्रिय गोचर नहीं है, हम जो बात कहेंगे सम्यक दर्शन की बात कहेंगे, ये सब इतने भी परमाणु कालानु हैं, ये सब बात कहेंगे, ये सब इंद्रिय गोचर ऐसे ख्याल में नहीं आएगा, ये सब बात ऐसे ख्याल में नहीं आएंगी ये बातें। और स्वर्ग मोक्ष की जो बात है वो भी इंद्रिय गोचर नहीं है, वहाँ आपको कहा कि मोक्ष में जाना चाहिए, हर जीव को मोक्ष में सुख है, तो ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे आपने देख लिया है मोक्ष में जाके देख के आ गए, अरे कैसे सुख क्या है एक बार देख तो लो, कोई डीवीडी हो तो दिखाओ मोक्ष में कितने सुख क्या है, ऐसा इंद्रिय गोचर नहीं है वो, अतिंद्रिय ज्ञान से अतिंद्रियता से उसे जाना जाता है, और उन्हें जाने बिना मोक्ष भी नहीं होता, श्रद्धान भी नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ के ऊपर अपार श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान रखना होगा, जब धर्म समझ में आएगा। धर्म को समझने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे धर्म में जो जो भी वर्णन आया है ये सब सर्वज्ञ भगवान ने जाना है, ये सत्य है। ऐसा श्रद्धान कब होगा, जब सर्वज्ञ पर श्रद्धान होगा तो धर्म पर भी श्रद्धान, इसलिए धर्म के मूल सर्वज्ञ को कहा। इसलिए धर्म का स्वरूप सर्वज्ञ के वचन ही से प्रमाण है, अन्य चदमस्त का कहा हुआ प्रमाण नहीं है। अतः सर्वज्ञ के वचन की परंपरा से जो चदमस्त कहता है सो प्रमाण है।
इसलिए धर्म का स्वरूप कहने के लिए प्रारंभ में सर्वज्ञ को स्थापना किया। इसलिए धर्म का स्वरूप कहने के लिए उन्होंने प्रारंभ में सर्वज्ञ को स्थापना की। बाकी जो चदमस्त कहता है, चदमस्त तो इंद्रिय ज्ञान से सहित क्रम से जानता है, एक एक इंद्रिय के माध्यम से थोड़ा बहुत जानता है, वो भी भूतकाल में क्या जाना था ये इसका कुछ ख्याल में नहीं रहता इसको, और वर्तमान में भी अस्पष्ट जानता है थोड़ी बहुत, और भविष्य को तो कोई ठिकाना नहीं, इसको कहाँ जानता है भविष्य को। ऐसे इंद्रिय ज्ञानी चदमस्त जीव कैसे स्पष्ट बात कर सकता है? स्पष्ट बात नहीं कर सकता। तो स्पष्ट बात कौन कर सकता है? जो सर्वज्ञ हैं वो सभी को जानते हैं, सभी को स्पष्ट जानते हैं, वही स्पष्ट बात कह सकते हैं। इसलिए सर्वज्ञ वचन ही प्रमाण है, और सर्वज्ञ वचन जैसे सर्वज्ञ ने कहा वैसे ही उसके अनुसरण करते हुए कोई इंद्रिय ज्ञानी भी कहें वो भी प्रमाण है, लेकिन वितरागता का पोषण होना चाहिए उसे। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ को स्थापना किया, तो सर्वज्ञ है वे ही सच्चा देव है, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं उनके प्रति कहते हैं, जदि न अवधि संवर्ण हु ताको जान दि अदिदियम अर्थम इंद्रियणानम न मुणदि थूलम पीयशेष पज्जायम। हे सर्वज्ञ के अभाववादियों, यदि सर्वज्ञ नहीं होवे तो अतिंद्रिय पदार्थ जो इंद्रिय गोचर नहीं है उनको कौन जानता? इंद्रिय ज्ञान तो स्थूल पदार्थ को जानता है, उसको समस्त पर्यायों को भी नहीं जानता। जो ये इंद्रिय है, इंद्रिय गोचर, वो स्थूल पदार्थों को जानता है, वो स्थूल पदार्थ में भी समस्त पर्याय को नहीं जानता। तो ऐसे में जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ हैं, अतिंद्रिय हैं, उन्हें कौन जानेगा अतिंद्रिय पदार्थों को? जो सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं उन्हें कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ, ऐसा कोई होता नहीं है, सबको जानने वाला है ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं है, इस तरह की जो बातें करते हैं वर्तमान में सर्वज्ञ का अभाव को देख करके, इस तरह की जो बातें करते हैं उनके लिए लिखा है कि सर्वज्ञ का अभाव मीमांसक और नास्तिक कहते हैं। मीमांसक मत वाले और नास्तिक जो होते हैं वे उसका निषेध किया है, वो कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं ऐसे कोई। हाँ, मतलब बहुत लोग इस तरह नहीं मानते हैं, वो नास्तिक में आ गए सब चार वर्ग, उनका निषेध किया है, उनका निषेध करते हैं। भाई सुनो, ध्यान से सुनो कि यदि सर्वज्ञ नहीं होवे तो अतीन्द्रिय पदार्थ को कौन जाने? सर्वज्ञ का अभाव मानेंगे तो अतिंद्रिय पदार्थ को कौन जानता है ये बताओ, क्योंकि धर्म और अधर्म का फल अतिंद्रिय है, क्योंकि धर्म और अधर्म का फल होता है वो अतिंद्रिय जानने में आता है, उसको सर्वज्ञ के बिना कोई नहीं जानता। इसलिए धर्म अधर्म के फल को चाहने वाले पुरुष सर्वज्ञ को मानकर उसके वचन से धर्म के स्वरूप को निश्चय कर अंगीकार करो। धर्म अधर्म जो जो अपने जैसे परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम करने पर, पुण्य आदि के परिणाम जो होते हैं, इत्यादि परिणाम करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और पाप परिणामों से नरकाधिगति की प्राप्ति होती है, चतुर्गति ब्राह्मण होता है, इतनी योनियां होती हैं, इतनी ये सब चीज़ें किसने बताई? ये सब सर्व के वचन से आए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई मूर्ख अज्ञानी ये कहें कि ये तो सर्वज्ञ का अभाव है, सर्वज्ञ कोई होता ही नहीं है, तो इन बातों पर कैसा विश्वास करोगे? तो इन बातों पर विश्वास नहीं करोगे तो धर्म अधर्म का फल कैसे मिलेगा, धर्म में प्रवर्तन कैसा होगा? इसलिए धर्म में प्रवर्तन के लिए सर्वज्ञ का आधार तो मानो, सर्वज्ञ हैं उन पर श्रद्धान करो, सर्वज्ञ हैं वे ही सच्चे देव, ऐसा श्रद्धान करो तो देव का श्रद्धान हो। और वो सर्वज्ञ वो वेतरागी है। आगे एक और गाथा है, उसमें भी इसी बात को सिद्ध किया। तेणु वयिठो दम्मो संगा सत्तान तह असंगाणम पढ़मो बारही बेवो दस भेवो भासी वो विधि वो।
उस सर्वज्ञ के द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म दो प्रकार का है, एक संगायुक्त संगासक्त मतलब गृहस्थ का, और दूसरा असंग माने मुनि का। पहला गृहस्थ का धर्म तो 12 वेद रूप है, दूसरा मुनि धर्म का 10 वेद रूप है। फिर आगे वो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म की जो बात है उसकी चर्चा है, और बीच में एक सुंदर चर्चा और उठाई है इसमें देव के संदर्भ में ही है, अपन अन्य विषय से नहीं भटकेंगे तो उसी के बारे में वो भी पढ़ते हैं। अब कोई प्रश्न करता है कि व्यंतरादि देवी, व्यंतरादि जो देव होते हैं वे भी लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं, उनकी पूजा वंदना करें या नहीं, उसका उत्तर देते हैं। अब वो देव कहते हैं वितरागी है, सर्वज्ञ है, निर्दोष है, परम हितोपदेशक है, वे ही सच्चे देव हैं, धर्म का प्रयोजन तो उनसे ही पूरा हो जाता है, वंदन पूजन करने योग्य तो वे ही हैं। तो इसने किसी ने प्रश्न उठाया भाई जो लक्ष्मी देते हैं और भी जो देव होते हैं जो लक्ष्मी देते हैं हम पर उपकार करते हैं उनकी पूजा वंदना नहीं करें क्या, वे भी तो कुछ ना कुछ उपकार करते हैं हमें, शरीर आदि में रोग होने पर दूर करते हैं इत्यादि जो मानते हैं अज्ञानी लोग, वो इस तरह दूर करते हैं, वो बहुत उनके पास जाने से लक्ष्मी आदि प्रकट हो जाती है इत्यादि जो अनेक बातें हैं, तो उनको भी तो पूजना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो, केवल सर्वज्ञ को पूजें, केवल वितरागी को पूजें, इससे हमारा काम हो जाएगा, ऐसा प्रश्न शिष्य पूछ रहा है। तो कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय आचार्य क्या कह रहे हैं देखो, न को भी दे दिलक्षी न को भी जीवस कुण दिवुवयारम उवयारम अवयारम कम्मम पी सुहासुहम कुणदी। कितनी सुंदर का सुंदर मतलब सुंदर बात उन्होंने दो लाइनों के माध्यम से, न को भी दे दी लक्ष्मी न कोई लक्ष्मी देता है, न कोई जीवस्य कुणदी हो यारम न कोई जीव का उपकार करता है। बोलो कितनी बड़ी बात, शंका में ही भूल है, मूल में भूल है, मूल में भूल नहीं होती तो ऐसा प्रश्न नहीं करता। शिष्य ने जो प्रश्न उठाया कि वे भी तो उपकार करते हैं, वे भी लक्ष्मी देते हैं, उनको पूजें कि नहीं, तो कह रहे हैं कि कौन किसको लक्ष्मी देता है, कौन किसका उपकार करता है, उवयारम अवयारम कम्मम पि सुहासुहम कुणदी, उपकार जो उपकार तुम्हें लगता है ये सब पूर्व में संचित शुभ अशुभ कर्म के उदय से सब कुछ मिलता है, कुछ मिलता है तो उस पूर्व में संचित शुभ कर्म से मिलता है, कुछ वियोग होता है तो पूर्व में संचित अशुभ कर्मों के उदय से जाता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई देव देते हैं या कोई देव लेते हैं, बोलो। इस जीव को कोई व्यंतरादि देव लक्ष्मी नहीं देते हैं, इस जीव का कोई अन्य उपकार भी नहीं करता है, जीव के पूर्व संचित शुभ अशुभ कर्म ही उपकार तथा अपकार करते हैं। पश्चाताप काव्य में लिखा है जब सीता देवी वो अग्नि परीक्षा के बाद जंगल में चले गए वापस, वो प्रत्युमती माता जी के पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए जंगल में चले गए, पहले तो जंगल में गई तो भगवान राम को, भगवान तो नहीं तो उस अवस्था तक तो राम जी को ये बहुत विचार आया, पश्चाताप हुआ मेरे कारण ये जंगल चली गई, ऐसा करके बहुत उनको दुख हुआ, और जाके उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे से ये गलतियाँ हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे टोका, ये कहा सीता जी ने कि ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कर्म फल पूर्व का जानो, पूर्व में मैंने धर्म की विराधना की होगी, देवशास्त्र गुरु की विराधना की होगी तो मुझे इस तरह का कर्म का उदय आया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बोलो ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया तो तुरंत तो उसमें झगड़ पड़े, लड़ाई कर दी, गाली दे दी, उसको मार दिया, पीट दिया, और नहीं किया कुछ बाहर से, अंतरंग से बहुत परिणाम करने लगे, अंतरंग से ही गाली देने लगे, अरे
ज्ञानी पुरुष तो ऐसा विचार करते हैं, ये तो मेरे पूर्व कर्म का उदय है, इस तरह पाप कर्म किसी की विराधना मैंने की होगी, धर्म की विराधना, देवशास्त्र गुरु की विराधना, इसलिए इस तरह कर्म का उदय आ रहा है। इसमें सामने वाले निमित्त का कोई दोष नहीं है, ये तो निमित्त मात्र बन रहा है। अगर मेरे कर्म का उदय नहीं हो तो कौन क्या कर सकता है, ये देखा जाता है। क्यों? जब हम चाहते तो बहुत कुछ है, वैसा नहीं होता, क्यों है वो? जब तक कर्म का उदय वैसा नहीं आवे तो वैसा नहीं होता। इष्ट चाहे चाहे अनिष्ट चाहे, लेकिन जब तक कर्म का उदय हो तो नहीं होता। अब वो पूरी जो लोक की व्यवस्थाएं वो सब इसी पे टिकी हुई है, सब एक दूसरे का कर्ता है। उसमें लिखा उन्होंने तीसरी गाथा चौथी गाथा में, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं, शुद्ध परिचिदान बुधा सर्वस्व काम भोग बंधक ये तत्सुवलंबो नवरीन सुलभो व्यतस। उन्होंने कहा शुद्ध परिचदान बुधा सर्वस्व काम भोग बंद कहा, सुत अच्छे से चित परिचित है ये काम भोग बंद की कहा, ये सिखाना नहीं पड़ता ये सब काम, बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है सब, कैसा खाना खाना है, कैसा जिद करना है खाने के लिए, कैसा गुस्सा करना है, कैसे दूसरों को मारना, ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप सीख जाता बच्चा। शुद्ध परिचिदानुभूता चित परिचित है सब कुछ, लेकिन धर्म की बात जितने भी सिखाओ वो ख्याल में नहीं आती। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन किसको क्या देता है, इस तरह की मान्यता क्यों रखते हो हे शिष्य, किसी वेंतरदेव द्वारा तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, कोई वेंतरदेव तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता, उपकार की बात और साथ में अपकार की बात कर रहे हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, जब तक तुम्हारा पाप का उदय ना हो तो कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है तो इतना समझना कि तुम्हारा पाप का उदय है तो उसमें वो निमित्त बन रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कोई ऐसा मानते हैं कि व्यंतर आदि देव हमको लक्ष्मी देते हैं, हमारा उपकार करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं, सो यह मिथ्या बुद्धि है। पहले तो इस पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ देखा नहीं, उपकार करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा होता तो पूजने वाले दरिद्री रोगी दुखी क्यों रहते? जब उनको पूजने वाले हैं तो वे दरिद्री रोगी दुखी क्यों रहते? बहुत लोग पूछते हैं, पूजने वाले बहुत है, लेकिन सबके सब सुखी हो गए क्या? वैसे दरिद्री, वैसे रोगी, वैसे दुखी रहते हैं। इसलिए वृथा कल्पना करता है, परोक्ष में भी ऐसा नियम रूप संबंध दिखाई नहीं देता। जो उनकी पूजा करते हैं उनके अवश्य उपकार अधिक होवे ही होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए यह मोही जीव व्रता ही विकल्प करके विकल्प उत्पन्न करता है। जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है वे ही इस प्राणी के सुख दुख धन दरिद्र जीवन मरण को करते हैं। वही शुभाशुभ कर्म ही वो सब कुछ उनका संयोग वियोग का निश्चित वे कर्म करते हैं। अपने करने से क्या होगा? किसी से डर करके उनकी पूजा आदि करने से हमारा डर दूर हो जाएगा, हमारा संयोग प्राप्त हो जाएगा, ये वियोग दूर हो जाएगा, ये सब मिथ्या कल्पना है। ये आचार्य ने लिखा है, गाथाओं में लिखा है। नय कोवि दे दी लच्छी, लच्छी माने लक्ष्मी, नय कोवि कोई नहीं दे दी, कोई नहीं देते। न कोवि जीवस्य कुणदी उभयारम, जीवस्य जीव का न कोवि कोई भी, कुणदी उभयारम उपकार कोई भी नहीं करता, अवयारम उभयारम अवयारम उपकार और अपकार कम्मंपि सुहासोम कुणदी, जो शुभाशुभ कर्म है वे ही उपकार और अपकार करते हैं, कुणदी माने करते हैं। ये पूरे गाथा का सार है, वो गाथा का जैसा है वैसे ही नीचे उन्होंने लिखा। बत्तीय पूज्यमाणो विंतर देवो विदेदि जदि लच्छी तो किम धम्मम कीरदि
एवं चिंते सदिट्ठी सदिट्ठी एवं चिंते सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, चिंतन करता है कि यदि भक्तीय पूज्यमानो विंतर देवो विलक्ष्य दे दो, यदि भक्ति से पूजा हुआ व्यंतर देव ही लक्ष्मी को देता है तो दम्मम किम किरदि, तो धर्म क्यों किया जाता है? यदि पूजा भक्ति करने से ही व्यंतर देव लक्ष्मी आदि देते हैं तो धर्म करने की क्या जरूरत है? कार्य तो लक्ष्मी से है, सो व्यंतर देव ही पूजा करने से लक्ष्मी दे देवे तो धर्म सेवन क्यों करना? मोक्ष मार्ग के प्रकरण में संसार की लक्ष्मी का अधिकार भी नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि तो मोक्ष मार्ग ही है, संसार की लक्ष्मी को हे मान, संसार की लक्ष्मी को तो हे मानता है, हे जानता हे मानता है, उसकी वांछा ही नहीं करता, लक्ष्मी की वांछा ही नहीं करता सम्यक दृष्टि पुरुष, तो जो ऐसा कहते हैं कि उनसे लक्ष्मी मिलते उन्हें क्यों पूजेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आचार्य। पूर्व पुण्य के उदय से मिले तो मिलो और ना मिले तो मत मिलो, मोक्ष सिद्धि ही भावना करता है, मोक्ष सिद्धि की ही भावना करता है, इसलिए संसारी देवात की पूजा वंदना क्यों करें? कभी भी पूजा वंदना नहीं करता। जो संसारी हैं, स्वयं संसारी हैं, वो संसार से निकलने का उपाय कैसे बतला सकते हैं? उनके पूजने से संसार से निकलने का प्रयोजन कैसा पूरा हो सकता है? जो वीतरागी हैं, सिद्ध शिला में विराजते हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त हो चुके हैं, सर्वज्ञ देव हैं, ऐसे उनको पूजने से हम भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर होंगे, और ऐसे बनने की बातें जिस शास्त्रों में लिखे हैं उन बातों को पढ़ेंगे, उन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कार्यकारी है, और ऐसी बातों का जो पालन करते हैं, ऐसे मार्ग पर जो बढ़ते हैं, ऐसे साधुओं का अनुसरण करेंगे, उनके सत्संग में रहेंगे तो हम भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर होंगे। ये सब बातें हैं, और जिन बातों से लक्ष्मी आदि की कोई व्यवस्था हो, लक्ष्मी आदि मिलती है, इनसे उपकार होता है इत्यादि होता है, ये सब बातों में क्या दम है? इनमें कोई दम नहीं। ये सब तो आपके जैसे कर्म का उदय है वैसे ही मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इनको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? पैसा मिलेगा कि नहीं, लक्ष्मी मिलेगी कि नहीं, कोई अपकार तो नहीं हो जाएगा? डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपका पुण्य का उदय है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका पाप का उदय तो भी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, पाप का उदय भी तो आपको भोगना पड़ता। जो आप कर्म करते हैं, जो उसी कारण जो जैसे परिणाम हम करते हैं वैसे जो परिणामों के माध्यम से बंद हुआ है उसका जब उदय में आता है तब उसको भोगना पड़ता। परिणाम करते समय तो डरते नहीं है, और जब उदय में आता है तब डर के भागते हैं, कुदेवों के पास जाके शरण लेते हैं, क्योंकि ये तो जानते हैं कि सर्व के वितरागी है, ये तो कुछ करेंगे नहीं है? ये शास्त्रों में लिखा है, वे तो क्या करेंगे, वे स्वयं तो करते नहीं, उन्होंने तो ये उपदेश दिया है कि जो होना है सो निश्चित है, कण कण स्वतंत्र है, ऐसा उपदेश दिया उन्होंने, अणु अणु स्वयं में लीन है, कर्ता धर्ता ना कोई है, जगत के अणु अणु कण कण स्वयं में लीन है, कोई कर्ता धर्ता नहीं, ऐसा उपदेश देने वाले, स्वयं तो किसी के कर्ता धर्ता है नहीं, और जगत के प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक द्रव्य का, सभी का स्वरूप है, वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो सकते, ऐसा पावन उपदेश देने वाले ही सच्चे देव होते हैं। ऐसे उपदेश को पाकर हम सब अंतरंग में दृढ़ श्रद्धा लावें कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए हमें भी अकर्ता स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है और मोक्ष मार्ग में सदा निरंतर अग्रसर होना है, ऐसी भावना सब संजोए इसी भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ।